घरेलू उपाय में आपका स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस बीमारी में कौन सी फल सब्जियां हमें खाना चाहिए। इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहें। फल और सब्जी विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज तत्वों से के मुख्य स्रोत है। दमा, दमा के रोग में अदरक, तुलसी, मूंग, लहसुन, हल्दी आदि इसका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। मासिक यानी कि महिलाओं को मासिक में अधिक कष्ट हो तो आप आम खाएं और अदरक और गुड़ का काढ़ा बनाकर पिए। इसको पीने से दर्द में राहत होगी। आंख के लिए, गाजर का रस और धनिया अधिक से अधिक खाएं। डायबिटीज, में करेला, पालक का रस और गाजर का रस का सेवन करना लाभकारी रहता है। खून की कमी, हो तो रात को खजूर का पानी, को पानी में भिगो ले और सुबह खाएं। इसके साथ ही पालक, टमाटर, चुकंदर, आम, सेब आदि का सेवन अधिक करें। अल्सर, में गाजर, अंगूर और गोभी का रस लाभदायक होता है। खून की गंदगी, खून साफ करने के लिए पालक, सेब, तुलसी, बेल के पत्तों का रस और गाजर का रस ले। बवासीर, में मूली का अधिक सेवन करें। सुंदरता त्वचा, अगर आपको सुंदर त्वचा चाहिए तो सुंदर त्वचा के लिए नारियल का पानी सेवन करें और नारियल के पानी से चेहरा साफ करें। सिर दर्द, में नारियल का रस, गाजर, गोभी का रस, चुकंदर का रस का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कुछ बीमारियों के बारे में, जिन अगर या कुछ डिसीज के बारे में, अगर ये चीज अगर आपको होती है तो उस समय आपको कौन से फल या सब्जी का इस्तेमाल करना चाहिए या क्या खाना चाहिए, इसी के बारे में छोटी सी जानकारी थी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।